सो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरा गेट 2014 पेपर नंबर 3 में आया था एंड दिस क्वेश्चन आस्क इन 2 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। द मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशन विथ अ हिट इन कैश, 5 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशन विथ अ मिस इन कैश। ठीक है, उसके बाद 2 नैनो सेकेंड फॉर राइट ऑपरेशन विथ अ हिट इन कैश एंड 10 नैनो सेकेंड फॉर अ राइट ऑपरेशन विथ अ मिस इन कैश। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, यहां पे मेरे पास रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन गिवन है और हर रीड ऑपरेशन के अंदर, यहां रीड ऑपरेशन के अंदर एक हिट हो रहा है और एक मिस हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे मेरे पास एक राइट ऑपरेशन भी गिवन है और राइट ऑपरेशन के अंदर भी हिट हो रहे हैं और राइट ऑपरेशन के अंदर मिस हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद आगे क्या कहता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स 100 इंस्ट्रक्शंस फेच ऑपरेशंस, 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड ऑपरेशंस एंड 40 मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशंस। यहां पे क्वेश्चन में मेरे पास इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम यूज कर रहे हैं फेच ऑपरेशंस, रीड ऑपरेशंस और साथ ही साथ राइट ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। द कैश हिट रेशियो इज 0.9, कैश हिट रेशियो यहां पे गिवन है। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स इन एग्जीक्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज, यहां पे जो मुझे फाइंड आउट करना है वो है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मेमोरी एक्सेस टाइम का, तो अगर मैं मेमोरी एक्सेस टाइम की बात करूं फॉर रीड ऑपरेशंस, क्योंकि यहां पे रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दो गिवन है, तो सबसे पहले हम रीड ऑपरेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए हम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 ऑफ T2। यहां पे ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे कुछ गिवन है नहीं कि इसको हम इंडिपेंडेंट से यूज करें या हायरार्की के थ्रू यूज करें, तो मैं पुराने वीडियोस में बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एक तो हमारा जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम कम से कम लगेगा, साथ ही साथ जो स्पीड है, स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग रीड ऑपरेशन के अंदर क्या क्या वैल्यूज है उसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो सबसे पहले H1 की बात करता हूं, H1 के अंदर कैश हिट रेशियो इज 0.9, तो H1 0.9 इंटू T1 की बात करूं, टाइम क्या है, द मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 नैनो सेकेंड फॉर रीड ऑपरेशन विद अ हिट, अगर हिट होगा तो 1 नैनो सेकेंड टाइम लगेगा, 1 प्लस 1 माइनस H1 की वैल्यू 0.9 इंटू T2 मिस अगर हो रहा है, यहां मिस हो रहा है, मिस के लिए अगर होगा तो 5 नैनो सेकेंड फॉर रीड ऑपरेशन विद अ मिस, मींस T2 जो टाइम लगेगा यहां पे आ गया 5, उसके बाद ये आ गया 0.9 प्लस 1 माइनस 0.9 इज 0.1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.9 प्लस ये आ गया मेरा 0.5, फाइनल जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.4 नैनो सेकेंड्स। तो ये जो मेमोरी एक्सेस टाइम है रीड के लिए 1.4 नैनो सेकेंड्स आ रहा है। अब इसी तरह हम मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर राइट के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर राइट, अगेन फॉर्मूला मेरा वही होगा राइट के लिए, H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 ऑफ T2। अब जो हिट रेट है, हिट रेशियो, वह 0.9 को हमने यहां पे लिखा इंटू T1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 नैनो सेकेंड्स फॉर राइट ऑपरेशन विथ हिट इन कैश, मींस 2 नैनो सेकेंड्स, यहां पे जो टाइम लग रहा है 2 प्लस 1 माइनस 0.9। अब मिस के लिए क्या है, 10 नैनो सेकेंड्स फॉर राइट ऑपरेशन विथ अ मिस इन कैश, मींस यहां पे T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। अब इसको सॉल्व करता हूं, ये आ गया 1.8 प्लस ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10, मीन्स 1.8 प्लस 1 डेट इज 2.8 नैनो सेकेंड्स। अब 2.8 नैनो सेकेंड्स मेरा आ रहा है राइट के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स 100 इंस्ट्रक्शंस,
तो अगर मैं यहां पे इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, अब अगर मैं यहां पे इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूं, तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेरे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले फेच ऑपरेशन, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फेच, उसके बाद रीड ऑपरेशंस एंड लास्ट मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशंस। तो यहां पे रीड और राइट। अब अगर आप फेच की बात करो तो फेच में आपको देखो कितने इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं, 100 इंस्ट्रक्शंस यहां पे लग रहे हैं। तो यहां पे 100 इंस्ट्रक्शंस इसके लिए आ गया। रीड के लिए कितना आ रहा है, 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड ऑपरेशंस, 60 आ गया रीड के लिए एंड 40 आ गया मेरा राइट के लिए। ठीक है यहां तक। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। अब अगर मैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की बात करता हूं, तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर रीड, इसके लिए साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस फॉर रीड, जो इंस्ट्रक्शंस होगा रीड के लिए उसकी हम बात करेंगे, प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर राइट, ये वाली जो वैल्यू है राइट के लिए इसके, इनटू इंस्ट्रक्शंस ऑफ राइट की बात करेंगे, अपॉन यहां पे आ जाएगा मेरा इंस्ट्रक्शंस ऑफ रीड प्लस इंस्ट्रक्शंस ऑफ राइट। ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पे एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की बात कर रहे हैं, और एवरेज की हम जब बात करते हैं तो आपको पता है अपॉन के साथ साथ हम जो रीड और राइट ऑपरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है हम उसको यहां पे अप्लाई करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर रीड ये आ जाएगा 1.4 इंटू, अब इंस्ट्रक्शंस फॉर रीड के टर्म में अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहां पे आप देखो यहां पे रीड के लिए 60 है, राइट के लिए 40 है और साथ ही साथ फेच के लिए 100 है। तो जब भी हम रीड की बात करेंगे तो रीड को मुझे फेच के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, मीन्स 100 और 60 को यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा और उसको हम यहां पे लिखेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर रीड यहां पे आ जाएगा 100 प्लस 60 इज 160, एक टर्म आ गया ये, प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर राइट दैट इज 2.8 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंटू इंस्ट्रक्शंस फॉर राइट के लिए क्या वैल्यू है 40 को हम यहां पे लिख रहे हैं, अपॉन रीड के लिए आ गया इंस्ट्रक्शन 160 प्लस 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूं, 1.4 इंटू 160 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा मेरा 224 प्लस 2.8 इंटू 40, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो ये आएगा 112 अपॉन 160 प्लस 40 दैट इज 200। इसको सॉल्व करते हैं 336 अपॉन 200। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरा 1.68 कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स इन एग्जीक्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज 1.68 और ये आ गया मेरा नैनो सेकेंड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं गेट के एग्जाम में। अब इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते गए और हमारा फाइनल आंसर 1.68 आ गया।